पाकिस्तानी एयरफोर्स हम लोग की एयरफोर्स से एडवांस होते जा रही है और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना ग्वालियर एयरबेस से मिराज जहाजों ने उड़ान भरा पहाड़ों के बीच में धीरे धीरे जाके कश्मीर में जाके बम मार के चला है अभिनंदन पायलट जो थे हमारे उनके पीछे तो इन्होंने क्या किया सामने वाले को मारा उसका एफ सिक्सटीन गिर गया एयरफोर्स बेस जोधपुर जोधपुर एयरबेस है वहां पर और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था ना यहाँ पर ना जोधपुर एयरबेस पे सारे जहाज जो थे सब ये एक पास आके स्क्रैम्बल हो गए थे यहाँ पे सारे जहाज यहाँ लगे सब आके घूमने के लिए पाकिस्तान क्या किया देखा कि बाप रे बाप इतने जहाज़ यहाँ से आ गए सब अब पीछे बैकअप में भी जहाज़ ले आकर यहाँ रख दिया सब उसको लगा पाकिस्तान का यहाँ सरगोदा एयरबेस है उसको लगा कि इंडिया वाला कहीं सरगोदा एयरबेस पे बम मत मार दे सब पाकिस्तान घबरा गया कि सरगोदा एयरबेस पे तो पाकिस्तान ने क्या किया अपने सारे जहाज़ को यहाँ बुला लिया और यहां इंडिया ने क्या किया मध्य प्रदेश का जगह कौन है ग्वालियर मध्य प्रदेश में ग्वालियर ग्वालियर एयरबेस से मिराज जहाजों ने उड़ान भरा पहाड़ों के बीच में धीरे धीरे जाके कश्मीर में जाके बम मार के चलाए गया ये सब किस लिए था यहां से उड़ान भरे थे लोग यहां से ग्वालियर एयरबेस उत्तराखंड के पास जाते जाते इन लोग का फ्यूल खत्म हो गया तो यहां हवा में फ्यूल भर दिया था हवा से हवा में फ्यूल भरा जाता है वो टंकी लेके उड़ता है वो मेरे को पाइप लटका होता है, है।, है। जाके, जाके, बालाकोट पर बम गिरा दिया समझ में गया जब अंदर चले गए तब पाकिस्तान को लगा कि जा जाने जा। चल गया सब तो इधर से एक लौटा अभिनंदन पायलट जो थे हमारे उनके पीछे तो इन्होंने क्या किया सामने वाले को मारा उसका एफ सिक्सटीन गिर गया लेकिन हमारा जो इतना चौपट जहाज था मिग की कई वो ज्यादा सात टर्निंग लिया बस उतना पावर नहीं जनरेट किया यहाँ पर बस उनट हो गया आके मिसाइल और वहां पर क्या हो गया नीचे गिर गए लेकिन उस बेचारे का इतना भी औकात नहीं था कि पायलट को रख सके पहुंचा दिया और हमसे क्या करता है एक तो आदमी पाकिस्तान का एयर दिल्ली एयरपोर्ट इंटरनेशनल है तो वहां जब जाइएगा ना तो कई बार मुलाकात हो जाएगी आपको ऐसे लोगों से तो आपने अपनी, अपनी पसंद आदमी की कोई चौमिन खाने में बीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक पीने में बीजिए हम देखते हैं एयरपोर्ट पे रहते हैं कोई विदेशी मिल जाए तो थोड़ा जानकारी मिल जाए समझ समझा क्या पाकिस्तान का था कहा कि डिंग था हम लोग को देखे अभिनंदन का त्यारा गिरा दिया हम कहे क्या बोलता रे है तुम? त्यारा त्यारा हम कहे क्या त्यारा क्या होता है कह कि जहाज 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 कहे जहाज को तुम लोग प्यारा बोलता है हाँ हम कहे ओ त्यारा बोलता है उसको समझा क्या कितनी हम लोग ने इज्जत दी चाय भी पिलाया ये किया और वापस भी लौटाए कितने इज्जत से लौटाए हम कह सुनो दमाद की इज्जत की जाती है और इसमें कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कर दिया उसको लहर गया एकदम एकदम लहर गया उसको एकदम हमरा साहब ने बोलेगा सब वो भी पाकिस्तान वाला हम तो बहुत कम बोलते हैं पाकिस्तान को मेरे दादा जो बोलते थे ना वो कहते थे वो चोटा उम्र में हमरा से छोटा मेरे दादा 1934-35 के थे उनका जन्म 1935 के आसपास में पाकिस्तान पैदा हुआ उन्नीस सौ सैतालीस में हम हमरा हमारा जी पति आई आगे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सरगोदा एयरबेस है पाकिस्तान का यहां पर बट पाकिस्तानी एयरफोर्स हम लोग की एयरफोर्स से एडवांस होते जा रही है हम लोग के यहाँ एयरफोर्स वगैरह के लिए कोई एवॉक्स जहाज की संख्या कम है फिफ्थ जनरेशन जहाज है ही नहीं है हमारे पास स्क्वाडन की कमी है पुराना जहाज लेके घूम रहे हैं मीगे कईस उन्नीस सौ सत्तर का बनाए मीगे कईस कोई मोटरसाइकिल चलाएगा गए उन्नीस का हम लोग जहाज उड़ा रहे हैं उन्नीस का समझा कि उसे वीडियो मेकर कहा जाता है मीगे कई जो जहाज है ना उसे क्या कहा जाता है विडियो मेकर विडियो मतलब विधवा मेकर मतलब बनाने वाला उस जहाज को क्या कहा जाता है विधवा बनाने वाला उसमें जो पायलट बैठता है ना उसकी पत्नी क्या हो जाती है विधवा इसलिए उस जहाजिया को क्या बोला जाता है विडो मेकर विडो मेकर नहीं समझ का अंग्रेजी पूरे खत्म है